नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, चलिए देखते हैं इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए मैंने बेस्ट 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। कल कौन कौन से लेवल में ट्रेड ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इन सबके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल एनालिसिस में समझेंगे, बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को भी ऐड किया है क्योंकि इसका पोजिशन मेरे पास ओपन है और शायद आप लोगों ने भी बनाया होगा। रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया है, मतलब प्रॉफिट कम है। देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होगा। अगर 2400 के नीचे जाता है तो फिर पोजीशन हमें कट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा एक गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, बाकी अभी डिटेल बात करेंगे। साथ में मैंने 2 स्टॉक स्विंग के लिए सेलेक्ट किया है। हालांकि सेल का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीक ट्रेड दिया है, पोजिशन अभी भी है। और ITC नया ऐड किया हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियो में कि सर स्विंग का भी स्टॉक बताते रहिएगा। पिछले टाइम भी मैंने स्विंग के बहुत सारे स्टॉक दिए थे, ठीक ठाक चले, तो अभी फिर से मैंने स्विंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है। देखते हैं कहाँ पर इसको ले सकते हैं, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सब डिटेल बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। पहला स्टॉक है कल ट्रेड लेने के लिए UPL। देखिए, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मतलब ये बहुत ही बढ़िया बाइंग हो सकता है। और जैसे अभी मैं आप लोगों को लेक्चर में बताया हूँ वॉल्यूम एनालिसिस का, फ्री क्लासेस में, ठीक है। देखिए, ब्रेकआउट किया, राइजिंग वॉल्यूम के साथ है और बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था इसमें, लगभग 3.55 मिलियन, राइट। ये जो शॉर्ट हुआ है ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। ये कितना है, मात्र 979, ठीक है। मतलब इतना कम वॉल्यूम में है, मतलब 9 लाख समथिंग, 10 लाख वॉल्यूम है, ठीक है। जबकि ब्रेकआउट किया था लगभग 3.5 मिलियन के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम से, तो ये स्टॉक ना शॉर्ट नहीं, ये बाई है। तो कल आपको एक बढ़िया बाई मिल सकता है। अगर ये 732 के आसपास मिलता है तो मॉर्निंग में, अगर पहले 15 मिनट के कैंडल बुलिश हो जाता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ओपन कहाँ पर होता है, शॉर्ट तो नहीं है, इसलिए शॉर्ट के बारे में सोचेंगे नहीं। इस भाव के नियरेस्ट ये 200 EMA है, जितना करीब मिल जाए उतना अच्छा है। बट यहाँ पर जो भी कैंडल रहे बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम के साथ रहना चाहिए। बाई करेंगे, टारगेट इधर का रखेंगे, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पर 740 का कॉल ऑप्शन भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 1-2 रुपए से ज़्यादा की स्टॉप लॉस बनेगा नहीं। अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन कैश में 5 से 6 रुपए के स्टॉप लॉस बनता है, तो मैक्सिमम ऑप्शन में स्टॉप लॉस आपका 2 से 3 रुपए से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आपको जो ऑप्शन है वो बाई करना पड़ेगा फरवरी एक्सपायरी का, ठीक है। फरवरी एक्सपायरी का बाई करना पड़ेगा, जनवरी एक्सपायरी में शायद आपको फिजिकल डिलीवरी का मार्जिन मांग सकता है। तो हम लोग ट्रेड लेके देखेंगे दोनों एक्सपायरी का। आप इस स्ट्राइक प्राइस को ओपन रखिएगा UPL में, ठीक है, जो मिल जाएगा उसे ट्रेड करेंगे। बट 15 मिनट का कैंडल आसपास में बुलिश होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ICICI बैंक, देखिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो कोई एक दो बैंक ऊपर जाना चाहिए। HDFC बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है लेकिन टॉप के आसपास है, ठीक है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है जो दो बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक, जो नीचे में है, तो ट्रेंगल पैटर्न में बना हुआ है। मुझे लगता है कल आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिलता है, बुलिश कैंडल, तब भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकल जाता है तब भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका इधर बनेगा 868 के आसपास का। तो प्लानिंग करेंगे इसे बाई करने के लिए, और टारगेट हमारा इधर का होना चाहिए, इधर का टारगेट हमारा हो सकता है, ठीक है, मतलब 885 की तरफ का टारगेट हमारा हो सकता है। तो अगर हमें मॉर्निंग में इस रेंज में अच्छा कैंडल के साथ ब्रेकआउट करते हुए मिल जाता है, बुलिश कैंडल मिल जाता है, तो हम लोग बाइंग करेंगे। और इसका भी लेवल आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। मुझे लगता है 870-871 के आसपास हमारा बाइंग होना चाहिए, तो आप इसे वॉच लिस्ट में रखिएगा। यहाँ पर जो भी बुलिश कैंडल मिलेगा आप इंडिपेंडेंट होकर भी ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ही कॉल दो तो आप ट्रेड करें, ठीक है। मैं एक आइडिया शेयर करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है मेरा कि आप यहाँ पर ट्रेड करिए प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा मेरा कोई लॉजिक नहीं रहता है। स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस लगेगा या फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मुझे लगता है अच्छा सेटअप में है, आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक रखना है, जब तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं आएगा बाई नहीं करेंगे, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट में इसे रखिएगा। कोटक बैंक, अगर आप इस बैंक को देखें दोस्तों तो एकदम बॉटम में है, ठीक है, या तो ये नीचे चले जाएगा, इधर ब्रेकडाउन कर जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, हालांकि 2-3 बार हो गया है, मे भी ये नीचे चले जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, नहीं जा पाया। अगर ये नीचे चले जाएगा तो
तो हम कुछ नहीं करेंगे। मॉर्निंग का पहले 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश देखेंगे 1755 1760 के रेंज में, ठीक है। अगर इस रेंज में हमें मॉर्निंग का पहला कैंडल बहुत स्ट्रांग मिलता है, देखो अगर बायर आएंगे तो मॉर्निंग में ही आना चाहिए, ठीक है, 10 बजे से पहले पहले बायर आ जाना चाहिए, उसके बाद बायर नहीं आएंगे क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा मॉर्निंग में ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर हमें बुलिश कैंडल मिल जाएगा, बढ़िया कैंडल मिल जाएगा, तो हम लोग बाइंग करेंगे, और अगर ये नीचे जाता है तो छोड़ देंगे। ज्यादा ज्यादा 10-12 रुपए के स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नजर रखेगा। मुझे लगता है अगर कोटक बैंक पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी को भी काफी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए, नजर रखिएगा कोटक बैंक को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये है आपका अडानी इंट, और मैं आपको लगातार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये ना मुझे बहुत वीक दिखता है, पर ये बहुत परेशान करने वाला है अपने निवेशकों को, तो थोड़ा जिनके पास भी पोजिशन होगा ध्यान रखिएगा। मैं इस रेंज से बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, अगेन इन साइड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अगर वीकली चार्ट में देखें तो बेरिश कैंडल है, ठीक है। हालांकि जहां पर ब्रेकआउट दिया था इस रेंज में, इसी भाव के आसपास आया है, मे भी सपोर्ट ले ले, लेकिन अगर ये कल नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एकदम बॉटम के आसपास है, वॉल्यूम को हाइट करता हूं मैं, ठीक है। हम लोग इसे ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर इस रेंज में, इस हाई का सेल डालना पड़ेगा, 3480 का सेल डालना पड़ेगा, और इस लो के आसपास हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बड़ा ही रहेगा, हाई बीटा स्टॉक है, ध्यान रखिएगा 3450 या 3440 के बिलो है शॉर्ट होगा, ठीक है। और ट्रेड कम से कम 100 से 80 पॉइंट आपको देके जाएगा अगर ये ब्रेक डाउन दिया तो, या फिर छोटा आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो नजर रखिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा, लेकिन ये ट्रेड जब भी थोड़ा उछाल आएगा इसमें शॉर्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए कल उछल जाता है इधर, तो इधर से शॉर्ट करने की सोचेंगे, लेकिन होगा ये शॉर्ट, ये बाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है आईबुल। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है, वैसे भी मेरे लिए स्टॉक नेगेटिव है, आईबुल है या फिर जील है, ये सब मैं इन स्टॉक को शॉर्ट की तरफ ही ज्यादा प्रीफर करता हूँ। मुझे लगता है कल शॉर्ट मिल सकता है, 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जाएगा तो 3-4-5 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी ये नीचे जाता है या बहुत स्पीड में ऊपर जाता है, ये स्टॉक में एक बड़ा दिक्कत होता है कि ये बैन में आ जाता है। तो कैश में ट्रेड करेंगे इसे, नजर रखिएगा, बट यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट यहाँ होगा ओवर सोल्ड जोन में, यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा, पहले ऊपर जाने देंगे 135 या फिर 134, ये सब रेंज में हमें शॉर्ट मिल सकता है, ठीक है। और 2 रुपए के स्टॉप लॉस डालेंगे क्योंकि टारगेट भी कम से कम 3 से 5 रुपए का आपको दे सकता है, ये बड़ा मोमेंटम देता है, बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक है, नजर रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, और लास्ट फ्राइडे के दिन रिजल्ट आया है, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है बट बाकी चीजें ठीक है, ओके। मे भी थोड़ा नीचे खुले, अगर पहले 15 मिनट में ध्यान रखिएगा, पहले 15 मिनट में 2400 के नीचे ही रह जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताया था कि 23 तारीख तक पोजीशन हम लोग होल्ड कर सकते हैं, तो 23 तारीख कल ही होगा, राइट। तो 15 मिनट का चार्ट हमें ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 2400 के नीचे अगर आ जाता है तो जो भी लॉस मिलेगा वो लॉस ले लेंगे, और अगर 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव रहता है तो लो का स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहेंगे, और मुझे लगता है अगेन ये 2500 तक जा सकता है, तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। जब तक ये 2500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी 2400 एंड 2500 के बीच में फंसा हुआ है, अगर एक कल इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है, अगर एक कल 2400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में भी काफी दबाव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो कल वॉच करेंगे पहले 15 मिनट रिलायंस इंडस्ट्री का, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, स्विंग में ट्रेड करने के लिए, नाम है ITC। बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है, और मुझे लग रहा है अगेन न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ट्रायंगल सेटअप का ब्रेकआउट दे रहा है, और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया फेल हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा था रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब फिर से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के 324 के नीचे डेली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस डाल के पोजिशनल इसे बाई करना चाहिए। मिनिमम टारगेट 360 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अभी चल रहा है 334, तो टारगेट कितना मिलेगा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस, 15 रुपये का टारगेट, बट इसके ऊपर भी और मूवमेंट स्टॉक दे सकता है, तो मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लेने का आइडिया नहीं है इसमें, मुझे लगता है इसमें कैश में लेना चाहिए, और 360 तक आपका टारगेट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक ये है सेल। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बताया है कि जब 90 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था तब कि इसे ले लीजिए, 100-110 तक का टारगेट है, 110 से 12 तक का टारगेट है, मुझे लग रहा है अभी ये पॉजिटिव है और आपको इधर का स्टॉप लॉस
मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 83 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। पॉजिटिव है, कोई बड़ा नेगेटिविटी अगर मार्केट में आता है तभी ये मुझे लगता है शॉर्ट की तरफ जाएगा, अदरवाइज मेटल इंडेक्स भी काफी अच्छा लग रहा है और मेटल के स्टॉक भी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अपर साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए नेक्स्ट डे, ओके, या आने वाले दिनों में। तो ये दोनों स्टॉक को, ITC और सेल को, पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं, होल्ड रखना चाहिए, और अभी भी जगह में है, बाई करने के जगह में, बहुत ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, तो मुझे लगता है अगर पोजीशन नहीं बनाए हैं तो अभी भी पोजीशन इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। ITC और सेल मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और ITC तो मेरे पास काफ़ी पहले से 200 के आसपास से, ओके, और सेल लगभग 77 के आसपास से मेरे पास है, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक में मेरा पोजीशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मतलब लेके रखा हुआ है, ओके। तो इस तरीके का ट्रेड बन रहा है कल के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।